हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टूरिंग लाइफ। तो कैसे आप सब लोग? भारी अपन भी लाइफ भारी। नेपाल राइड पे निकलने का पहले मुझे पीपीएफ वगैरह ना सब करना था, पर मैं कर नहीं पाया क्योंकि सब घाई गड़बड़ में हो गया था। वो राइड से आने के बाद में फिर बेबी वगैरह का वो नामकरण वगैरह था, उसमें बिजी हो गया था। फिर आ गया मालवन राइड पे निकलने का टाइम, फिर मालवन राइड पे निकल गया। तो ये सब चक्कर में ना पीपीएफ करना रह गया था। 1 मार्च को मैं मालवन राइड से रिटर्न आया। अभी 3 मार्च है, आज मैं निकल रहा हूँ अभी पीपीएफ करने के लिए। सबसे पहले अपने बगीरा की हालत देख लो। ये अपना बगीरा एकदम गंदा सा हो गया। अभी इसको ऐसा चक्का चक करेंगे ना। हम मालवन राइड से आया हूँ परसों, अब तक वॉश वगैरह मैंने किया नहीं। सोचा अभी पीपीएफ करने के टाइम पे वॉशिंग वगैरह सब होने वाला है, तो एक साथ ही सब करेंगे और अपने बगीरा को चमकाएंगे। तो चलो निकलते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। शॉर्ट रूट पे निकलो, कहीं भी निकलो, भगवान का नाम लेके शुरुआत करो। अब मैंने सोच लिया है कि नेक्स्ट जो भी लॉन्ग राइड रहेगा ना मेरा, उसके पहले जितने भी मुझे मॉडिफिकेशन करना है ना अपने बगीरा के ऊपर, वो सब पूरे करूंगा, उसके बाद ही लॉन्ग राइड पे निकलूंगा। S9 ऑटोमोटिव जो कंपनी है, इनके ओनर है सानिल भाई। तो सानिल भाई, आज अपने गाड़ी पे क्या क्या काम होने वाला है? पहली बात तो गाड़ी तो बहुत बढ़िया है, चलाने में भी और में भी कम चला के देखा है इन्होंने, और पावर एक नंबर है, बहुत बढ़िया है। गाड़ी के ऊपर आज हम लोग पीपीएफ का काम करने वाले हैं। तो गाड़ी जैसे देख सकते हो, गाड़ी तो बहुत गंदी हो चुकी है। तो हम लोग पहले तो उसको पूरा प्रीवॉश करेंगे अच्छे से। प्रीवॉश करने के बाद छोटे छोटे स्क्रैचेस है, स्वर्ल्स है, उसको निकाला जाएगा। वो डिटेलिंग की प्रोसीजर जो है फॉलोअप ली जाएगी। उसके बाद उसके ऊपर पीपीएफ का एप्लीकेशन है जो वो किया जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग काम कैसे करने वाले हैं। पीपीएफ करने का फ़ायदा कितना है ना, ये देखो, ये मेरे आंखों के सामने ही है। अभी ये जो टीवी सेंटर के इसके ऊपर पीपीएफ हुआ था, और ये थोड़ा गाड़ी कहाँ पे तो घस गया है, तो ये पीपीएफ का पूरा कोटिंग निकल गया है, पर अंदर एक भी क्रैश नहीं आया। तो ये है पीपीएफ का फ़ायदा। सबसे पहला हो रहा है नॉर्मल वॉश। ये अंदर जो मिट्टी फंसा हुआ रहता है ना, उसको निकालने का ये एकदम बेस्ट तरीका है। ये डिटेलिंग चल रहा है, जो छोटा छोटा स्क्रैचेस जो आया था ना, वो निकालने के लिए। नेपाल राइड पे जब मैं निकला था तो सब घाई घाई में हो गया था, उसकी वजह से मुझे पीपीएफ करने का चांस मिला नहीं। पर एक मैंने गलती किया था कि सैडल बैग लगाया हुआ था राइनॉक्स का, तो यहाँ पे मैंने टेप लगा दिया क्योंकि तो स्क्रैच नहीं आना चाहिए, पर वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये देखो, ये टेप लगाने के कारण ना ये पूरा चिपक गया। अभी इसको भी निकाल देंगे। फिर टेप तो मैंने नेपाल राइड पर निकाल दिया था, उसके बाद मैंने कपड़ा रखा था यहाँ पे, पर जो कपड़ा रखा था वही चीज़ मैं पहला करना चाहिए था। नेपाल राइड पे जब मैं था वो टाइम पे वो बैग की वजह से ना बहुत सारे स्क्रैचेस आ गए थे। तो सच बोलूँ ना तो रात को सोने के टाइम पे भी ना वो याद आने लगा कि यार वो क्या नई गाड़ी पे क्या हो रहा है क्या नहीं। पर अब डिटेल में सब निकल रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है। ये वाला पार्ट्स हो गया डन, ये भी दोनों हो गया डन। ये देखो ना, पहले का जो था और वो पीपीएफ लगाने के बाद में जो शाइन कर रहा है ना, आपको कैमरा में इतना समझ में नहीं आएगा।
बगीरा पे अपने पीपीएफ हो गया डन। ये देख लो गाइस क्या चमक रहा है रे अपना एरोक्स बगीरा, क्या लुक लग रहा है, ऐसा लग रहा है अभी डीलर लेने वाला हूँ, इतना पावर लग रहा है। अभी आप देख लो सिनेमैटिक शॉट्स। तो अपना गाड़ी का पीपीएफ हो गया डन, और क्या वर्क किया है बॉस यहाँ पे, सच में आपका स्टाफ बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत बढ़िया वर्क किया है। तो पीपीएफ करने का जो खास करके मैंने सोचा ना, वो क्यों सोचा है कि लॉन्ग राइड पे जाते हैं वो टाइम पे धूप के वजह से भी अपना पेंट पे थोड़ा इफेक्ट हो जाता है ना बॉस। यस बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कलर है गाड़ी का, ऊपर से सर का जो राइड है बहुत डेली बेसिस पे रहता है, किधर भी रात को चाबी मारते भाग जाते हैं, किधर भी रात को चाबी मारते भाग जाते हैं, सुबह आने का कुछ ठाव ठिकाना नहीं है। तो मैंने उनको क्या बोला, वो पहले माइंडसेट बना के आए थे कि सिरामिक करेंगे, मैंने उनको क्या बोला, थोड़ा सिरामिक से बजट बढ़ जाएगा पर एक ही बार काम हो जाएगा, अभी देखने की ज़रूरत नहीं, अभी कितने भी बजे उठो चाबी लगाओ भाग जाओ, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत, अभी कोई स्क्रैच वगैरह आने का कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि नेपाल हाइट पर मैं जब में था ना तो किधर भी क्रैच देखा ना तो रात को सोने के टाइम पर वही याद आने का, अरे नया नया गाड़ी है तो ऐसा लगता है दिल पर यार। तो अभी कोई भी टेंशन, अभी मैं बिंदास जा सकता हूँ और कोई भी साइडल बैग टेल बैग बिंदास लगा के निकल सकता हूँ। तो थैंक यू सुनील भाई। अभी क्या आपके यहाँ पे क्या क्या काम होता है कार के बारे में जो भी है बताओ जरा। बेसिकली हमारे पास पूरा सर्विस सेंटर ही है, वी ऑपरेट एज एन वर्कशॉप। हमारे पास कार का डिटेलिंग से लेके सिरेमिक पीपीएफ, बाद में जनरल मेंटेनेंस, इंजन ट्रांसमिशन वर्क, आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है, बेसिक एक्सेसरीज, पेंट जॉब, एवरीथिंग वी डू अंडर वन रूफ। उसी के साथ टायर अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, एवरीथिंग। स्कूटी का भी प्रोटेक्शन में जैसा कि सिरेमिक है, पीपीएफ है, जनरल सर्विसिंग है, रॉयल एनफील्ड का भी हमारे पास स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि इंजन बफरिंग करना, और उसी के साथ उसका कोटिंग और रेस्टोरेशन सर्विस। सुपर बाइक भी हम लोग करते हैं, डेंटिंग पेंटिंग, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। मतलब बहुत कुछ है, मोटर के ऊपर कुछ करना है, बाइक के ऊपर करना है, कार के ऊपर करना है, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ का एड्रेस और मैप का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर आना H9 ऑटोमोटिव के पास। बहुत अच्छा वर्क हुआ है, थैंक यू भाई, थैंक यू। H9 ऑटोमोटिव ने बहुत ही बढ़िया सा काम किया अपने यामाहा एरोस बगीरा के ऊपर। पीपीएफ में कैसा होता है ना, कुछ टाइम बाद मतलब 2-3 दिन बाद है ना बबल्स भी छूटना चालू हो जाता है। इसके लिए 1 वीक तक वॉश नहीं करना होता है, अगर वॉश करेंगे तो अगर कहाँ पे भी एयर रहेगा तो उसमें पानी घुस जाएगा, तो ये सब चीज़ें का थोड़ा ध्यान रखना है कुछ दिनों तक। तो मुझे पहले से सब बताया गया, अगर कोई भी ऐसा दिक्कत होता है बबल्स वगैरह छूट जाता है तो उसको टचअप में पूरा क्लियर कर देंगे। आपको भी स्कूटर पे, बाइक पे पीपीएफ वगैरह करना है, डिटेलिंग करना है, तो मैंने ऑटोमोटिव जो है उनका ये सामने कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए एरोक्स के लिए या कोई भी स्कूटर पे पीपीएफ का कितना कॉस्ट हो सकता है, तो सब डिटेल्स आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके मिल जाएगा। अपने बगीरा के ऊपर जो पीपीएफ का वर्क हुआ है वो आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना, और इंस्टा पर अगर मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा में फॉलो करना, ये जो सामने आ रहा मेरा इंस्टा आईडी है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं भाइयों ऐसे आने नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।